और उर्फी जावेद कितना नो कपड़ा पहनते रहेंगे, उसको जरूरत है मुझे, मोनू की जरूरत है उसके। कमाता हूँ भाई पैसा, कौन पैसा नहीं कमाता, सभी लोग पैसा कमाता है। और एज पता है बताऊँ, यू नो मैं सब्जी बिक्री करने के लिए मैं मार्केट पे आता था, वो लोग अभी दुनिया भर का ड्रग्स कानी पी पी के दारू पी पी के खत्म। मैंने अपना माता पिता के लिए मैंने घर भी बना दिया, खुद के लिए भी बन गया। दोस्तों स्वागत है आप सभी को एक फ्रेश ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम करने वाले हैं मोनू देवरी का इंटरव्यू, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इनसे। सबसे पहले मोनू भाई को स्वागत है हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले पेज को फॉलो करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम ये करेंगे कि जैसे कि हम यहाँ आए आपके गाँव में, तो मुझे दिखा यहाँ पे इंटरनेट का बहुत बड़ा समस्या है और इलेक्ट्रिसिटी तो जब से आए हैं तो अभी तक है ही नहीं, ठीक है। और आपके चैनल पे 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे, फेसबुक का बात मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो इतना आप कैसे किए सब, कैसे मैनेज? वाह रे वाह, ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं था मेरे लिए। और मतलब वही कहते हैं जिसका पास हौसला होता है, जिसका पास एक मतलब करने के लिए मतलब क्षमता होते हैं, उन लोगों के लिए ये सब का सामना करना नहीं पड़ता। जिसको करना है, जिसको भूख लगा है, वो खाना खाएगा ही खाएगा। तो इतना मैं मोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, मैं बस पॉइंट वाला बात कह रहा हूँ कि भूख लगा है तो खाना खाएगा ही खाएगा। तो मेरा इच्छा है करने के लिए, मैं ईश्वर पे मैं यकीन करता हूँ, मुझे करने के लिए इच्छा था, मैंने किया। ऐसा मतलब सपना देखना तो छोड़ ही दो मेरा जगह से, मतलब सब भूल ही जाओ कि अभी दिन ऐसा प्लेटफॉर्म पर जाएंगे या ऐसा बनेंगे, सोचा ही नहीं था। लेकिन ईश्वर का कृपा, जनता का प्यार और मेरा कड़ी मेहनत रंग लाया, और वही रंग को देख देख के आप लोग भी यहाँ पर आया। सही बात है। और अब दूसरा एक बार इनसे सवाल ये करेंगे कि उर्फी जावेद साहब का क्या दुश्मनी है? देखा ही उर्फी जावेद आपको टीवी, एक्चुअली रुको मैं पहले बता रहा हूँ, टीवी पे ना इनके कई सारे शो आ गए हैं, एक इंडिया का टैलेंट ही था, पता नहीं बहुत सारा गया। ये इतने सारे शो कर चुके हैं कि खुद भूल गए हैं, मतलब सोनी टीवी पे एक प्रोग्राम आया था, फिर प्लेग्राउंड एक प्रोग्राम था उसमें भी ये गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे उर्फी जावेद के साथ इनका थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी चला था, उन्होंने काफ़ी इंसल्ट किया था इनका, तो क्या दुश्मनी था, कुछ पर्सनली था या फिर कुछ था? ऐसा पर्सनली ही था दुश्मनी। अच्छा। और उसका बाद वहाँ पे उस शो पे गया और हाँ। वो शो भी मतलब वहाँ पे जाके उन्होंने मेरा बारे में बोला, लेकिन मैं कम नहीं हूँ, मैंने भी दुनिया भर का वहाँ, वो मुझे जैसे सवाल किया मैंने उसे जवाब दिया, मेरा वाला टेक कट कर दिया। अच्छा, कॉल कट कर दिया और सिर्फ उर्फी पको पको करने वाला दे दिया। तो भाई अभी अभी क्या ही क्या कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में अभी अपलोड कर रहा है, कुछ कुछ मैं बोलने वाला, लेकिन कुछ कुछ अपलोड किया है, लेकिन एग्जैक्ट वाला जो मैं पूरा हल्ला कर करके वहाँ पे ऑन द स्पॉट बोला था वो दिया नहीं है उन्होंने। तो उन लोगों का ये मामला है, मुंबई तो ऐसा ही है बॉलीवुड। सही बात है। तो उसमें कुछ भी सीरियसली होता नहीं है, सब टीआरपी के लिए ही होता है। टीआरपी उस शो के लिए मुझे नहीं चाहिए, उस शो को चाहिए टीआरपी, मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा है। और उर्फी जावेद कितना नो कपड़ा पहनते रहेंगे, उसको ज़रूरत है मुझे, मोनू की ज़रूरत है उसके, उसे इसलिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया वहाँ में, ताकि वो चीज़ ज़्यादा वायरल हो। हाँ, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो, इसलिए उसको कौन सोशल मीडिया पे कौन आया, मैंने लाया उर्फी जावेद को, तुम्हें पता है उसको फेमस किया मैंने, नहीं तो उर्फी को कौन जानता है, कौन उसे देखता है। सही बात है। अब एक सवाल और पूछते हैं, यूट्यूब से आपको लगभग अभी तक लाइफ टाइम कितना अर्निंग हो चुका, एक एस्टिमेट बताना चाहोगे? मैं नहीं बताना चाहता हूँ, ये नहीं बताना चाहिए, ये कट, नहीं तो ये दखो वगैरह आ जाएंगे, मेरा घर में जाने का कि मालते का बोलेगा। कमाता हूँ भाई पैसा, कौन पैसा नहीं कमाता, सभी लोग पैसा कमाता है। सही बात है। तो मुझे भी मिलता है, मैं जितना मेहनत करता हूँ बस उतना ही। और आप जो नए वाला घर बना रहे हो, ये कम्प्लीटली आप बना रहे हो या फिर पूरा फैमिली मिलकर बना रहे है? मैं बना रहा हूँ। अपना यूट्यूब का इनकम से ना? मैंने ये यूट्यूब बोल के नहीं, और भी कुछ कुछ काम है आपका? मेरा बहुत है, मेरा बिजनेस है जो ये प्राइवेट लाइफ का है, प्राइवेट लाइफ का मेरा बिजनेस है। हाँ। और मैं फिल्म वगैरह करता हूँ, शोस वगैरह करता हूँ, यूट्यूब से तो कितना ना मिलता है यूट्यूब, मतलब वही सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद ये शो वगैरह भी करते हैं, ये मतलब मेरा बिजनेस है, साइड साइड इनकम है मेरा। हाँ। साइड इनकम से। और एज पता है बताऊँ? बताओ। ओनली 23 का एज में इतना बड़ा सा घर बना लिया, चाहे बिजनेस हो चाहे सोशल मीडिया हो, कुछ भी बता लो, है ना। लेकिन 23 का एज में इतना सक्सेस कहाँ मिलता है लोगों को भाई? उस क्योंकि वो ईश्वर का कृपा है। मुझे अभी भी याद है मेरे बस्ती के लोग, मतलब मेरे उम्र के लोग बहुत मुझे पहले चिढ़ाता था, यू नो मैं सब्जी बिक्री करने के लिए मैं मार्केट पे आता था तो बहुत मतलब, और एक होता है डांस वगैरह में करता था तो दूसरे लोग बोलता था ये डांस वगैरह करता है ये पढ़ाई नहीं करता है क्या ऐसा,
मैं बाजार में सब्जी बिक्री करने के लिए आता था, तो दूसरों का माता पिता लोग मेरे साथ मतलब जुड़ने के लिए नहीं देता था कि ये लड़का बदमाश हो जाएगा। तो अभी कल ऐसा तान आ गया कि जिसको मुझसे हटाया था जिस दोस्त लोगों को, वो लोग अभी दुनिया भर का ड्रग्स कानी पी पी के दारू पी पी के खत्म। ईश्वर का कृपा से मैंने 23 इयर्स में मैंने अपना आई एम सक्सेसफुल टू दे, मैंने अपना माता पिता के लिए मैंने घर भी बना दिया, खुद के लिए भी बन गया, मैंने खुद का रास्ता मैंने अपने आप खोल दिया। सही बात। और जो माता पिता पहले बोलते थे मेरे साथ मत घूमो, उसके साथ मत घूमो, खराब हो जाएगा बोल रहा था, अभी वो लोग ही मतलब समझ सकते हो वो लोग अभी कितना मतलब उसका बेटा घर पता खत्म हो चुका है। सही बात है। तो इसलिए किसी भी आदमी को छोटा बड़ा का नजर से नहीं देखना चाहिए, इंसान सभी लोग इक्वली होता है। सही बात है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने जितना मेरा माइंड में आया, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्ट मैंने रेडी करके नहीं आया था, जस्ट व्लॉगिंग करना था इनके साथ, माइंड में आया कुछ क्वेश्चंस इसीलिए इनसे पूछ लिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिल के आप इंटरव्यू कर लो छोटा सा। अभी एक्चुअली हम लोग मंदिर में आए थे, मंदिर के ही प्रिमाइजेस में हम लोग बैठ के ये चीज़ शूट कर रहे हैं, सडनली माइंड में आया कि चलो एक अलग से सेपरेट वीडियो शूट करते हैं, तो शूट कर ले। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर से कर देना और लाइक करना और पेज को फॉलो जरूर करना। मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।